हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स विद शालिनी। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और रेसिपीज अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल का चिल्ला विद लहसुन की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप भिगोया हुआ मूंग की दाल और 1/2 कप भिगोया हुआ उड़द की दाल। इन दोनों दाल को मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिया था और इसे अच्छे से वॉश करके हमने ले लिया है। अब इसे एक ब्लेंडर जार में हम दोनों दाल को डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसे एक बोल में निकाल के रख लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इसमें स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा चिल्ला का बैटर रेडी है। हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम लहसुन की चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप छिला हुआ लहसुन और 10 से 15 गर्म पानी में भिगोई हुई कश्मीरी रेड चिली। ये मिर्ची तीखी नहीं होती है बट इसका कलर बहुत प्यारा आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इस पेस्ट को हम एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे। अब एक पैन में हम 2 कप तेल गरम करेंगे। हम जितना लहसुन लेते हैं उतना ही 2 गुना हम तेल लेते हैं। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब गैस ऑफ करके हमारा जो पेस्ट है हम इसमें डाल लेंगे। सारा पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक बोल में निकाल के हम रख लेंगे। आप चाहें तो ये चटनी को आप 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक गरम पैन में हम चिल्ले का बैटर डालेंगे और इसे फैलाते हुए एक डोसा का शेप दे देंगे। आप ये हाई फ्लेम पे करें। अब इसमें बिल्कुल जरा सा ऑयल डालें और इसके ऊपर आप अपना मन चाहा कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ग्रेटेड चीज डाला है। आप चाहे तो पनीर या फिर फ्रेश कोरिएंडर लीफ भी डाल सकते हैं। बस हम इसे पलट के सेकना नहीं है, इसे फोल्ड करके हम निकाल लेंगे। बस कुछ इसी तरीके से अब बाकी अपने बैटर से सारे चिल्ले बना लें। और इसे लहसुन की चटनी के साथ सर्व करें। आप चाहे तो सॉस या फिर हरी चटनी का भी यूज कर सकते हैं, मगर लहसुन की चटनी और मूंग दाल का चिल्ला का क्लासिक कॉम्बिनेशन है। अब इसे कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते के साथ सर्व करेंगे। आप हमारी ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमें हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, सी यू सून इन माय नेक्स्ट रेसिपी। टेक केयर, बाय बाय।